हुई हुई भाई हुई। सो ये हरी भाई ने 360 ऑलराइट एम जी फैमिली, होप सो यू आर वेल एंड गुड एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एम जी स्टार्टर्स। सो गाइस, देख सकते हो अपनी पल्सी इधर खड़ी है, और जस्ट अभी संडे था तो मैं चर्च से होके आ रहा था। अभी मैं खड़ा हूँ रोड नंबर 1। हाँ, देख सकते हो आप लोग, ये रैपरा रोड जाती है, बाकी इधर मेन रोड की तरफ जाती है। सो मैं सोचा यार, मैं अपना मोटिव लॉगिंग का सेटअप लेके चलता हूँ, तो सोचा कि आज मैं थोड़ा स्टंट की प्रैक्टिस भी कर लूँ। सो चलता है अभी वोसी वाले फील्ड में, केवी वाले फील्ड में स्टैंड की प्रैक्टिस करने, थोड़ा टाइम मिला। अगर बच्चे नहीं हुए सो गाइस स्टैंड ज़रूर करेंगे, अगर हुए तो यार काफ़ी दिक्कत पड़ने वाली है। और बाकी चलिए चलते हैं फिर, और उम्मीद करता हूँ व्लॉग को गाइस एंजॉय करिएगा और कमेंट ज़रूर करिए। और बाइक को स्टार्ट कर चुके हैं, और चलने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस। आप लोग अपना बहुत अच्छा प्यार दिखा रहे हो, दिखाते रहो भाई। हाँ, बस आपके प्यार की ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना वीडियो को, और शेयर ज़रूर कर देना। गाइस, यहाँ से कुछ ऐसा होने वाला है कि जिससे मैं तो बहुत ज़्यादा अनहोत है। बस ये है कि उस हादसे से बच जाता हूँ, क्योंकि अचानक से ही वो चीज़ एकदम सामने आ जाती है तो कंट्रोल नहीं रहता है। तो भी गॉड का शुक्र है कि कंट्रोल ले लिया था। तो बाकी आप देखते रहिए क्या होता है। तो गाइस केवी जाने के लिए हाँ बेसिकली ये वाला रूट पकड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर हम दूसरी 8 नंबर से आएंगे तो थोड़ा सा यार वैसा रास्ता मिलता है, बड़ा टूटा फूटा उबड़ खाबड़। सो मैंने यहीं से जाना प्रेफर किया है, और ज़्यादा यहाँ से जाएंगे तो भी गाइस बहुत ज़्यादा लंबा पड़ेगा। तो मैं सोचा एक शॉर्टकट मारते हैं जो मेरे दोस्त के घर की साइड से ही पड़ता है, और मेरा दोस्त का जो घर है वो इस गली में पड़ता है, ये वाली गली में। मुझे जाना है सीधे एक, ये जो टर्न है यार इतना बढ़िया है, मतलब कॉर्नर करने के लिए बस पूरा मूड ये स्पीड ब्रेकर ख़राब कर देता है यार। और काफ़ी सारे पब्लिक रिएक्शन कलेक्ट करते हुए, और अब बिल्कुल ही शॉर्टकट रास्ता लेते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं केवी के फील्ड। ये बहुत शॉर्टकट रास्ता था, ये मेरे दोस्त ने दिखाया था, उसने बोला था कि अगर तुझे स्टंट की प्रैक्टिस करनी है तो यही वाले रूट से आ जा, बाकी अपना स्टंट करते रहे। सो गाइस ऐसे कि देख सकते हो अभी उस साइड पे कोई भी अपने है नहीं, तो अभी अपने आराम से स्टंट कर सकते हैं। बिल्कुल अपनी वो वाली जगह है, बिल्कुल खाली पड़ा, पूरा का पूरा ग्राउंड गाइस खाली पड़ा है। सो हाथ चल के पूरे चक दे फट्टे कर देते हैं। पहुंच गए हैं गाइस फाइनली केवी के फील्ड, और खुश नसीबी ये है यही है केवी स्कूल, और ये पूरा ग्राउंड है, और पल्सी आके यहाँ खड़ी है। आराम से भाई पूरा जगह मिल जाएगा स्टंट करने के लिए, बाकी जगह वगैरह देखने, ऑटी पॉटी पड़ी हुई है गैया की। सो
बढ़िया फील्ड है, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और बाकी अब आपको देखने को मिलेंगे कुछ मेरे बेहतरीन स्टंट्स, मतलब बेहतरीन तो नहीं पर कोशिश तो करूँगा कि बेहतर करने की। कई बार मैं गिरता भी हूँ, बस अगर इस बार मैं गिरा तो यार मेरे ये DRS जाएंगे पूरे। तो मुझे बहुत ही ध्यान से स्टंट करना पड़ेगा, गिरे ना बाइक, क्योंकि अगर इस बार गिरी बाइक तो मेरे DRS गए समझो। बाकी तो मेरे ये लेग गार्ड्स झेल लेते हैं, ये सब निशान मेरे स्टंट्स के ही हैं बाकी ये सब। सो चलिए फिर देर नहीं करते हैं, सेटअप लगाते हैं, आपको दिखाते हैं स्टंट। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ स्टंट्स आपको थोड़े अच्छे लगे होंगे। और बाकी एक जो स्टंट है वो हमारे भाई करके दिखाएंगे, भाई है और भाई की मेट्रो वो एंटॉर्क है, एंटॉर्क की कौन सी ग्रेजिया गाड़ी है। सो गाइस भाई आपको 360 करके दिखाएंगे। हुई हुई भाई हुई। सो ये हरी भाई ने 360। सो बहुत ही बेहतरीन भाई, बहुत ही बेहतरीन थी भाई। कोई ना भाई, काफ़ी बढ़िया भाई ने परफॉर्म किया यार। तो ये भाई बहुत बढ़िया था भाई, बहुत बढ़िया। गाइस साहब कैसी लगी भाई की 360 भाई कमेंट करके बताएं। भाई एक्टिवा पे करना भाई आसान नहीं होता है, मैंने भी करने का ट्राई किया था मुझसे पर हुई नहीं थी, बहुत भाई ताकत चाहिए होती है। और बाकी फिर मिलते हैं फिर आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू, स्टे ट्यून विद मी MG Throttle।